गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर हुए विवाद को लेकर लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर गुस्सा कम हो भी तो कैसे, जिस देश में अपनी मातृभूमि के लिए 20 जवान शहीद हो गए हो, आखिर वहाँ के लोगों का गुस्सा कैसे शांत रह सकता है। चीन के प्रति देश के युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। युवा लगातार चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर देश के लोगों से भी चीनी वस्तुओं को न खरीदने की अपील कर रहे हैं। कन्नौज से भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रकट किया और NH-91 पर चीन का पुतला फूंका। भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर पूरे देश को चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने का संदेश देते हुए खुद भी चीनी सामानों को भविष्य में इस्तेमाल न करने का प्रण किया है। कन्नौज से संवाददाता ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। पुतला फूका गया है, किस संबंध में पुतला फूका गया है? पुतला फूका गया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका गया है और चीन मुर्दाबाद के नारे लगे, उस चीन का पुतला फूका गया है जिसने हमारे जवानों को शहीद किया है, उस चीन का पुतला फूका गया है जिसने हिंदुस्तान में घुसने की हिमाकत की है, उस चीन का पुतला फूका गया है जो चीन हमेशा दोगली करता आया है, गद्दार है वो हमेशा धोखा देता है हम लोगों को, इस बात का वो चीन नेपाल पाकिस्तान को सह देता है ताकि ये लोग आकर उन्माद फैलाएं और हमारे जवानों पर गोलियां चलाएं। हमारा भारत, हमारे भारत के जवान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।